अजोर फंडामेंटल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकवरी सर्विस वोल्ट होता क्या है कि जब हम एक पूरा सॉल्यूशन डिजाइन कर देते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जैसा कि वर्चुअल मशीन है डेटा बेसिस है फाइल्स एंड फोल्डर्स और काफ़ी कुछ है तो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए यदि तो कोई यूजर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता चाहे रीजन कुछ भी हो चाहे पावर फेलियर हो या सिस्टम क्रेश हो या रेंसम वेयर वायरस जैसे अटैक हो या फिर रीजनल लेवल पे एक डिजास्टर हो तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसकी रिकवरी किस तरह से की जाए और कैसे बिजनेस को फिर से कंटिन्यू किया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर में एक सर्विस है रिकवरी सर्विस वॉल्ट, जो कि काम करती है स्टोरेज का और बैकअप का और स्टोरेज इस तरह से नहीं होता कि एक बार स्टोर कर लिया एक टाइमली स्टोरेज होता है यदि रिक्वायरमेंट है कि मुझे रोज़ बैकअप लेना है और टाइमली बैकअप लेना है हो सकता है कि मैं उसको वीकली बैकअप लूँ या मैं चाहूँ कि उसको मैं साल भर का बैकअप लूँ और यदि एक सिस्टम फेल होता है वर्चुअल मशीन एक्सेसिबल नहीं है किसी डिज किसी डिजास्टर की वजह से तो उसको कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं थ्रो द बैकअप ये सब हम देखने वाले हैं रिकवरी सर्विस होल्ट में तो इसके दो फीचर इंपॉर्टेंट फीचर है अजोर बैकअप एंड अजोर साइड रिकवरी दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर अजोर रिकवरी सर्विस वर्ल्ड एक तरह से स्टोरेज का काम करता है दोनों फीचर्स के लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं अजोर बैकअप यदि आपके रिसोर्सेज कॉन्प्रोमिस पे या फिर क्लाउड पर तो उसके बैकअप के लिए सर्विस है अजोर बेकअप सर्विस जो कि बैकअप लेने के लिए सिंपल सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि इस बेकअप सर्विस से न कि हम बैकअप लेते हैं बल्कि उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो कौन कौन से रिसोर्सेज का बैकअप हो सकता है अजोरे केस में वर्चुअल मशीन से अजूर फाइल शेयर है एसक्यूएल सर्वर इन अजूर वीएम है अजूर स्टेक आपके के केस में फाइल्स एंड फोल्डर है एसक्यूएल सर्वर भी है शेयर पॉइंट सिस्टम स्टेट और ऑन प्रोमिस में भी आप देखोगे तो एक लंबी लिस्ट है फाइल्स एंड फोल्डर हाइपर वी वर्चुअल मशीन वी एम वेयर वर्चुअल मशीन एसक्यूएल सर्वर शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज तो एक लैब करके देखते हैं जिसमें कि हम एक बैकअप सर्विस क्रिएट करेंगे और एक फेल और प्रोसेस करेंगे फेल और प्रोसेस मीन्स उस बैकअप को फिर से रिस्टोर करने का तो चलिए एक लैब करके देखते हैं इस लैब में हम एक फाइल शेयर बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली मैं एक स्टोरेज अकाउंट आ गया क्रिएट स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे मुझे ग्रुप नेम देना है आर जी वन स्टोरेज के सी ट्वेंटी थ्री एक यूनिक नाम इसको चाहिए रहता है एंड ये मैं क्रिएट करूँगा इंडिया में सेंट्रल इंडिया इसको मैं लोकल रिटेंडेंट स्टोरेज कर देता हूँ रिव्यू रनिंग फाइनल वैलिडेशन एंड इसके बाद मैं इसको क्रिएट करता हूँ एंड ये क्रिएट हो चुका है गो टू रिसोर्स इस पर मुझे क्या करना है कि एक फाइल शेयर क्रिएट करना है फाइल शेयर के अंदर मैं दो फाइल्स रखूँगा जो कि इमेज फाइल्स है फाइल शेयर इसका नाम देता हूं फाइल शेयर एंड क्रिएट तो एक फाइल शेयर क्रिएट हो चुका है इस फाइल शेयर के अंदर हम दो फाइल्स अपलोड करते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली अभी एक ही फाइल अपलोड हुई है एक को मैं फिर से अपलोड कर देता हूं अपलोड तो आपके तो तो पास दो फाइल्स अभी फ़ाइल शेयर के अंदर है अभी मुझे बैकअप लेना है फाइल शेयर का तो अभी आपको क्या करना है कि आप देखोगे ऑपरेशंस में बैकअप बैकअप पे मुझे क्लिक करना है तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो कि एक बैकअप बनाओगे तो एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि होम पे आता हूँ रिकवरी सर्विस वॉल्ट को सर्च करता हूँ इसके अंदर दो फीचर होते हैं उनमें से एक है बैकअप क्रिएट रिकवरी सर्विस वॉल्ट उसका ग्रुप मुझे लेना है एंड एंड उसका नाम देना है रिकवरी सर्विस वर्ल्ड और इसको मैं बनाता हूं इंडिया में रिव्यू एंड क्रिएट अभी रिकवरी सर्विस वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है गो टू रिसोर्स तो जैसा हमने देखा था यहाँ पे दो फीचर्स है बैकअप एंड सैट रिकवरी तो हम देखते हैं बैकअप हमें बैकअप लेना है फाइल शेयर का र इज योर वर्क लोट रनिंग तो मुझे सेलेक्ट लेट रखना है एजोर एंड वाट डी वॉन्ट टू बेकअप तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है एजोर फाइल शेयर एंड क्लिक ऑन बेकअप यहां पर मुझे पूछता है कौन सा स्टोरेज अकाउंट है तो ये मुझे सेलेक्ट करना है तो ये है स्टोरेज कैसी ओके दिस माइट टेक ए मिनिट यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट तो रजिस्टर हो चुका है लेकिन अभी हमें ऐड करना है उसके अंदर जो फाइल शेयर है उसको तो एड पे क्लिक करना है इस स्टोरेज के अंदर जो हमने क्रिएट किया था फ़ाइल शेयर रूम वो यहाँ पे दिखता है उसको सेलेक्ट करना है एंड ओके अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बैकअप कब लेना है उसके लिए पॉलिसी है उस पॉलिसी को चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट टाइम तो इन्होंने दिया हुआ है कि डेली एट सेवन थर्टी पी एम अब मैं चाहता हूँ कि मैं बैकअप जो लेता हूँ वो डिफरेंट टाइम पर लूँ तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ से मैं टाइम जोन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ रिटेंशन ऑफ डेली बैकअप पॉइंट्स इसका मतलब ये कि इस बैकअप को कितने दिन तक मुझे रिटेन करके रखना है मैं चाहता हूँ कि बैकअप लेने के बाद वो थर्टी डेज तक रहे इसको मैं चाहे तो चेंज कर सकता हूँ सेवन डेज तक रहे और मैं वीकली भी ये सेटअप कर सकता हूँ बैकअप मुझे संडे को भी चाहिए मंडे को भी चाहिए वो मैं सेट कर सकता हूँ एंड उसको कितने दिन तक रिटर्न करना है वो मैं सेट कर सकता हूँ डिफॉल्ट टेल्व है इसको मैं चाहूँ तो टेन कर सकता हूँ एंड मंथली में सेट कर सकता हूँ मंथ के फर्स्ट डे पर चाहिए या फिर सेकंड डे पर चाहिए या फिर लास्ट में चाहिए तो मल्टीपल में आप पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और कौन से दिन को चाहिए और कितने दिन तक उसको रिटर्न करना है इसके अलावा मैं ईयरली बैकअप भी ले सकता हूँ ईयरली कौन से डे पे मुझे चाहिए तो अभी फ़िलहाल हम डेली बैकअप पे फोकस करते हैं तो फिलहाल मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा मुझे डेली बैकअप चाहिए सेवन थर्टी एंड अनेबल बैकअप डिप्लोमेंट इज़ इन प्रोग्रेस योर डिप्लोमेंट इज़ कम्प्लीट गो टू रिसोर्स तो यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करते हो तो आपको दिखता है कि कितने बैकअप आइटम्स है वन बैकअप आइटम्स है इस पर मैं जाता हूँ तो ये दिखता है कौन सा आइटम है अजोर स्टोरेज अजोर स्टोरेज यहाँ पे दिखता है यहाँ पे आप लिस्ट देखते हो कि कौन कौन सा आइटम्स है तो एक फाइल शेयर है लास्ट बैकअप स्टेटस है इनिशियल बैकअप पेंडिंग अभी तक एक भी बैकअप नहीं हुआ अभी जो टाइम हुआ है नाइन थर्टी सेवन मॉर्निंग का तो तो अभी हमारा जो बैकअप होगा वो होगा सेवन थर्टी पीएम तो प्रैक्टिकली समय के लिए फिलहाल मैं इसको बैकअप नाउ कर देता हूँ एक तो एक बैकअप हो चुका हुआ रिटेन बैकअप टिल तो हमने थर्टी डेज सेलेक्ट किया होता तो उस केस में हमारा बैकअप रहेगा थर्टी डेज तक इसको चाहे तो मैं चेंज कर सकता हूं एंड ओके टारगेटिंग बैकअप फोर फाइल शेयर अभी बैकअप होना शुरू हो चुका है ट्रिगर बैकअप इन प्रोग्रेस अभी आपको बैकअप का डिटेल्स देखना है तो आपको रिकवरी सर्विस रिस्वॉल्ट में बैकअप आइटम्स के अंदर अजोर स्टोरेज फाइल शेयर एंड देखता हूँ तो अभी मुझे लास्ट बैकअप स्टेटस सक्सेस दिखता है व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट बैकअप अभी हुआ है एंड एंड वो एक्टिव है अभी सपोज कीजिए आपका फाइल शेयर प्रेस हो चुका है उसमें जो भी फाइल्स थी वो मिसमैच या फिर डिस्ट्रो हो चुकी है किसी वजह से उसके अंदर जो भी फाइल्स थी वो चेंज हो चुकी किसी भी वजह से या बाय मिस्टेक किसी ने उसको डिलीट कर दिया तो अभी आपको उसको रिकवर करना है रिकवर करना है जो भी आपने लास्ट बैकअप लिया था उससे तो वो कैसे करने वाले वो देख लेते हैं रिकवरी सर्विस वर्ल्ड्स में जाएंगे जो हमने क्रिएट किया था बैकअप आइटम्स में अजोरी स्टोरेज फाइल्स इसके अंदर व्यू डिटेल्स इस फाइल शेयर को हमें रिस्टोर करना है पिछले बैकअप से तो हमारे पास दो ऑप्शन है रिस्टोर शेयर एंड फाइल रिकवरी दोनों में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले देखते हैं रिस्टोर स्टेयर इसके अंदर हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट से आपको उसको रिकवर करना है अब यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही बैकअप है तो ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसको हम फिल्टर कर सकते हैं रिफ्रेश यदि हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स बैकअप लिया होता तो वो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिस्टोर पॉइंट्स हम यहाँ पे दिखते हैं फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक ही है तो इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ओके एंड दूसरा ये कि हमें ओरिजिनल लोकेशन पे इसको रिस्टोर करना है या फिर एक अल्टरनेट लोकेशन पे करना है तो इसको मैं ओवराइट कर सकता हूँ जो कि ओरिजिनल लोकेशन पे और चाहो तो मैं एक अल्टरनेट लोकेशन पे भी इसको क्रिएट कर सकता हूँ मींस उसी फाइल शेयर के अंदर एक डिफरेंट फोल्डर नेम इसको मैं नेम देता हूँ रिस्टोर बैकअप रिस्टोर एंड केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग ये ठीक है एंड स्टोर ये इन प्रोग्रेस है एंड टिगरिंग रिस्टोर द फाइल्स अभी हमने इसको एक न्यू फोल्डर में स्टोर किया है तो हम फाइल शेयर में जाके देखते हैं स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज अकाउंट के अंदर फाइल शेयर इस फाइल शेयर के अंदर हम देखेंगे ब्राउज में तो यहां पे हम देखते हैं कि एक नया फोल्डर बन चुका है बैकअप स्टोर तो इसके अंदर दोनों सेम फाइल से तो इस तरह से हमने गोल को अचीव कर लिया है तो इस तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं जहाँ हमें ओनली फाइल को रिकवर करना है मल्टीपल फाइल्स को कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर वन फाइल को तो उसको देखने से पहले मैं आपको बता दू कि इसका जो क्रेडिड टाइम है वो है नाइन ट्वेंटी वन अभी हम देखते हैं कि इस फाइल को हमें रिकवर करना है तो इसका टाइम नाइन ट्वेंटी वन है तो फिर से रिकवरी वॉल्ट में जाएंगे रिकवरी सॉरिज वॉल्ट आइटम्स स्टोरेज इवेंट्स डिटेल में तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यूज किया था रिस्टोर शेयर अभी हम यूज करने वाले हैं फाइल रिकवरी इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट एंड डेट एंड टाइम के साथ फिल्टर करना है रिफ्रेश ओके सेलेक्ट पॉइंट ओके एड फाइल्स एड फाइल में आप देखोगे कि, कि जो भी फाइल से, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलती है अभी मुझे ओनली इस फाइल को रिस्टोर करना है तो ओनली सी को सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट अभी ये फाइल यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन रिकवर ए मैग्जिम ऑफ नाइन्टी फाइल्स एंड फोल्डर तो ओनली इसी फाइल को रिस्टोर करना है एंड रिस्टोर इसकी प्रोग्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार हमने इसको ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करवाया है तो ये रिस्टोर हो चुका है रिस्टोर ट्रिगर्ड सक्सेसफुली प्लीज मॉनिटर प्रोग्रेस इन बैकअप जॉब्स पेज जॉब पेज को हम मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि उनको तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्लीटेड है अभी हम जाते हैं स्टोरेज में फाइल शेयर में फाइल शेयर के अंदर फाइल शेयर जो हमने बनाया था एंड ब्राउज पे अभी ये जो फाइल्स थी वो रिस्टोर हो चुकी है वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे इसका डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम चेंज हो चुका है तो ये अभी जस्ट रिस्टोर हो चुकी है तो इस तरह से हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है हमने फाइल शेयर का बैकअप लिया और उसको टू डिफरेंट तरीके से रिस्टोर करवाया उसकी फाइल्स को तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट फीचर है अजोर बैकअप इसको कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम अजोर साइट रिकॉर्ड को देखने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद